का चंचल किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम फिर अपने बचे हुए चावल से एक स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। इसके लिए जो चावल है ये बचे हुए हैं, साथ में ही लिया मैंने थोड़ा सा चीज, दो प्याज जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया, धनिया, हरी मिर्च दो, और साथ में लिया मैंने दो ब्रेड का ब्रेड क्रम बना लिया है, और साथ में कुछ मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, चिली फ्लेक्स, सॉरी घर की आम चाट मसाला है, धनिया पाउडर ये है, और ये काला नमक, भुना हुआ जीरा, हर्ब्स, इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम अपना चीज़ भी डाल देंगे इसमें, और प्याज, मिर्च, और ये जो हमने धनिया लिया इसे भी डाल देते हैं, और साथ में इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि हमारे चावलों में पहले भी थोड़ा सा नमक है और थोड़ा हमने काला नमक मिलाया है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम डालेंगे हम बाइंडिंग के लिए, और इन सब चीजों को आपस में मिक्स करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा ढीला लगता है, जैसे ये थोड़ा सा भी ढीला है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम और डालूंगी, और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, एक से दो चम्मच के करीब, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। रिफाइंड डालने से ये चिपकेगा नहीं और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसकी हम क्या करेंगे, आप जिस शेप की बनाना चाहते हैं उस शेप की बना लें। मैं फिलहाल आज गोल गोल बना रही हूँ इस टाइप की, कुछ इस टाइप की। इसी तरीके से हम अपनी साड़ी बना के तैयार कर लेंगे, और मैंने अपना तेल भी गर्म होने लगा दिया है कढ़ाई में। आप देख सकते हैं इस टाइप की, अगर आप चाहते हैं इसे आप इस टाइप की भी बना सकते हैं। फिलहाल आज मैं सारी गोल बनाने जा रही हूँ, पॉप्स की तरह गोल, फिर आपको दिखाती हूँ बना के। आप देख सकते हैं हमारी सारी गोले बनके तैयार है, और हमारा तेल भी अब गर्म होने वाला है। पहले एक छोटा सा पार्ट हम इसमें डाल के चेक करते हैं, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके हम अपने ये ऐड कर देंगे, जितने इसमें आ जाए आप से ज़्यादा ना भरें। और अभी इसे हम छेड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर इन्हें ऐसे फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें हाथ लगाएंगे। अभी इसे हल्का सा हम हिलाएंगे, और इन्हें सेकने देंगे। हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इनका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। इन्हें हल्के हाथ से हम पलटेंगे, क्योंकि ये टूट सकते हैं। इन्हें लट्टे पलटते हमें सेकना है, जिससे क्रिस्पी हो जाए अंदर तक। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा आने लगा है। थोड़ी देर से भी और ट्राई करेंगे हम। हमारी बॉल सेक के बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का कलर हमें चाहिए था जो आ चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। अब बची हुई भी हम सारी बॉल्स अपने इसी तरीके से इसमें डाल देंगे, और इनको भी इसी तरीके से सेक के तैयार कर लेंगे। हमारे स्नैक्स बनके तैयार हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।